नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। दस महाविद्याओं में देवी काली उग्र तथा सौम्य रूप में विद्यमान है। देवी काली अपने अनेक अन्य नामों से प्रसिद्ध है, जो भिन्न भिन्न स्वरूप तथा गुणों वाली है। देवी काली मुख्यतः 8 नामों से जानी जाती है और अष्टकाली समूह का निर्माण करती है। चिंतामणि काली, स्पर्शमणि काली, सिद्धि काली, दक्षिणा काली, कामकला काली, हंस काली, गुह्य काली। देवी काली दक्षिणा काली नाम से ज्यादा जगहों पर पूजी जाती है। उनका नाम दक्षिणा काली क्यों पड़ा, ये भी बहुत रोमांचक है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम दक्षिणा मूर्ति भैरव ने इनकी उपासना की, परिणाम स्वरूप देवी दक्षिणा काली के नाम से विख्यात हुई। दक्षिण दिशा की ओर रहने वाले यम या धर्मराज देवी का नाम सुनते ही भाग जाते हैं, परिणाम स्वरूप देवी दक्षिणा काली के नामों से जानी जाती हैं। तात्पर्य ये है कि मृत्यु के देवता यमराज, जिनका राज्य या यमलोक दक्षिण दिशा में विद्यमान है, मृत्यु पश्चात जीव आत्मा यम दूतों द्वारा इन्हीं के लोक में लाई जाती है, जहाँ जीव के कर्म अनुसार उसे दंडित किया जाता है तथा अगले जन्म का निर्धारण होता है। यमराज तथा उनके दूत देवी काली के भक्तों से दूर रहते हैं। मृत्यु पश्चात यमदूत उन्हें यमलोक नहीं ले जाते हैं। समस्त प्रकार के साधनाओं का संपूर्ण फल दक्षिणा से ही प्राप्त होता है। जैसे गुरु दीक्षा तभी सफल है जब गुरु समस्त कर्मों का फल प्रदान करते हैं या सिद्धि प्रदान करते हैं, तभी देवी को दक्षिणा काली के नाम से भी जाना जाता है। देवी काली वार प्रदान करने में अत्यंत चतुर है। यहाँ भी एक कारण है कि उन्हें दक्षिणा काली कहा जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार पुरुष को दक्षिण तथा स्त्री को बामा कहा जाता है। वही बामा दक्षिण पर विजय पाकर मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। कारणवश देवी अपने भैरव के ऊपर खड़ी है। देवी काली दो कुल जो रक्त तथा कृष्ण वर्ण में अधिष्ठात्री हैं, कृष्ण या काली स्वरूप वाली दक्षिणा कुल से तथा रक्त या लाल वर्ण वाली सुंदरी कुल से संबंधित है। मुख्यतः विध्वंसक प्रवृत्ति धारण करने वाले समस्त देवियों कृष्ण या दक्षिणा कुल से संबंधित है। देवी काली का घनिष्ठ संबंध विध्वंसक प्रवृत्ति तथा तत्वों से है। जैसे देवी शमशानवासी है, मानव शव हड्डी इत्यादि मृत देह से संबंधित तत्वों से संबद्ध है। भूत प्रेत इत्यादि प्रेत योनि को प्राप्त जीवों या विध्वंसक सूक्ष्म पराजीव देवी के संगी साथी तथा सहचरी है। यहाँ देवी नियंत्रक भी है तथा स्वामी भी। समस्त भूत प्रेत इत्यादि इनकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं कर सकते। समस्त वेद इन्हें देवी की भद्रा काली रूप बताते हैं। निष्काम या निस्वार्थ भक्तों के माया रूपी पाश को ज्ञान रूपी तलवार से काट कर मुक्त करती है। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।